मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ दो चीज़ों का जो मैंने अपनी पुरानी नहीं थोड़े दिन पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था। दो तरह के फेशियल थे और वो आपको मैं फेशियल आज दिखाऊंगी। और एक मैंने अभी फेस पे लगा के रखा हुआ है और अभी मौसम बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हो गया। लाहौर के यहाँ पे आंधी आई है और वो भी ठंडी वाली आंधी आई है, वरना हम तो आजकल कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और आज मैं स्कूल भी गई थी, इसलिए स्कूल जाएँ तो आपकी स्किन तो बहुत ज़्यादा ख़राब और रफ़ रहती है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्किन को फ्रेश कर लिया जाए। और कीजिया को दिखाती हूँ। जी कीजिया हाई करो। तो ये दो लाई थी मैं चेक करने के लिए, जस्ट लेके आई थी। ये गोल्डन पर्ल का अर्जुन फेशियल, एक ऊपर वाला है फ्रूट वाला, और ये है वाइटनिंग अर्जुन फेशियल, ये भी गोल्डन पर्ल का है। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वाइटनिंग अर्जुन फेशियल, ये मैंने यूज़ करके देखा था, ये बहुत बुरा है, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्रूट्स वाला है ना, फ्रूटी वाइटनिंग, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये अभी भी मैंने ये वाला अप्लाई किया हुआ है और मैं वॉश करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और ये किजिया अभी बाहर निकली है क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दिखाती हूँ, आंधी आई है, बादल आए हैं बहुत ज़्यादा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे मिट्टी नहीं उड़ रही, मिट्टी वाली आंधी नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत ठंडी हवा लग रही है। और किजिया भी इंजॉय कर रही, मैं आपको नीचे गली में दिखाती हूँ। मामा भी आ रही हैं बाहर मौसम देखने के लिए। मास्क जो है ना वो मैं थोड़ी देर अप्लाई करूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट अप्लाई करूंगी और उसके बाद फिर ना मैं इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी के साथ मसाज करूंगी, उसके बाद 5 मिनट मज़ीद छोड़ दूंगी और फिर फेस वॉश कर लूंगी और फिर फाइनली आपको दिखाऊंगी मैं। और आंखें मेरी रेड हुई हैं रो के शहजाद के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी वो मज़ीद और ज़्यादा डिले करेंगे, नहीं आने वाले, तो रो रो के मैंने आँखें सजा ली है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है रोने का। तो अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए इसको, तो अभी ये मैंने ठंडा ठंडा पानी लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा बर्फ़ वाला पानी है, तो इससे मैं ना हल्का हल्का बस मसाज कर लूँगी। और फुल मसाज करके ना अपने 3-4 मिनट मसाज करना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है फिर 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद जाके फेस वॉश कर लेना है। इसके अंदर ना हल्के हल्के दाने से हैं, जैसे स्क्रब के अंदर होते हैं ना वैसे हैं इसके अंदर। मैंने कहा गर्मी से इतना बुरा हाल हुआ है तो मैं अपना फेस ही थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि मैं तो डेली स्कूल जाती हूँ, आज भी मैं स्कूल गई हुई थी, तो बाहर बहुत ज़्यादा लाहौर में गर्मी हुई है और जैसे पहले बारिश होती थी ना लाहौर में, अभी बारिश है लाहौर में बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फेस वॉश जो है वो मैंने कर लिया है और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है, क्योंकि हम जाने लगे हैं मैं और मामा और कीजिया बाहर, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें लाने वाली है और बहुत दूर नहीं जाएंगे, हमारी सड़क पर मेन ड्राइव है तो वहाँ पर बहुत सारी मार्केट है और बहुत सारी शॉप्स हैं और वहाँ से सारी इकट्ठी चीज़ें मिल जाती हैं। और अभी रात नहीं हुई है, शाम हुई है, 6 बजे हैं, तो मैं मामा और किसिया हम जा रहे हैं, तो आ जाओ आपको भी लेके चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं घर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार और रास्ता बस थोड़ा सा रह गया। चलो 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 चलो, बड़ी खुश होती ये बाहर निकल के बहुत खुश होती है, क्योंकि सारा दिन घर में कैद रहती है और जब बाहर निकलती है ना फिर बहुत खुश होती है। वो सामने मेन सड़क है, बस वहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर हम वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता रह गया। वाह क्या देख लिया, फूल देख लिए हैं, ये चीज़ें लेके हम वापस आ रहे हैं। ये देखें सामान सारा लिया है,
और अभी घर जा रहे हैं हम वापस। अब बच्चे को आज दबाना पड़ेगा, बच्चा बहुत थक गया और साथ में नानो भी थक गई है और मामा भी थक गई है। अभी हम लाए हैं कबाब बाजार से, तो साथ में लाए हैं नान। कीजिया कह रही है मुझे बोटी दो, और ये अभी खुला नहीं है। रायता भी खोल ले मामा। कीजिए आपको मैं खिलाऊंगी बेटे बोटी। और ये बड़े अच्छे कबाब हमें यहाँ से मिल जाते हैं। चार कबाब लाए थे तो 240 रुपए के आए हैं चार कबाब। कीजिया को भी यमी दो मामा, तोड़ के दो थोड़ा सा कबाब। ये यमी ले लो बेटे, यमी लो। नहीं हो पहले वो खा लो। खाया क्यों नहीं कबाब बेबी? उन्हें खा लिया है। और अभी लाई हूँ मैं मैंगो काट के, और मुझे मिली थी सैलरी और इसलिए हमने कहा चलो छोटी सी आज करते हैं पार्टी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है। मुझे काम करते हुए नहीं पता चला और सुबह से मैं काम कर रही हूँ क्योंकि आज छुट्टियाँ हो चुकी हैं। आज मेरा पहला दिन है छुट्टी का। वैसे ही छुट्टियाँ हो गई थी जुमेरात को, बुध या जुमेरात को ही थी या जुमे को ही थी शायद। तो लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हमें दो दिन बाद बुला लिया था। तो आज मैं कल भी स्कूल गई थी, आज फ्री हुई हूँ और आज घर का बहुत ज़्यादा काम करने वाला था इसलिए मैं अब भी फ्री हुई हूँ। और शहजाद के आने का भी कोई इम्कान नहीं है, मैंने उनसे पूछा था और मैं नाराज़ भी रही हूँ दो तीन दिन क्योंकि उनको गए हुए एक महीना हो गया और मैं और शहजाद हम कभी अलग नहीं रहे। तो वो आने के लिए एग्री नहीं है, मुझे पता है वो मजबूर है, खुद से नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी अब वो काफ़ी ठीक है, आ सकते हैं वापस, लेकिन नहीं आ रहे। लेकिन चलो वो अलग मैटर है, वो जब ठीक होंगे फिर आ जाएंगे। मुझे लगता है एक डेढ़ महीना और कहीं नहीं गया और उतनी देर मुझे और खीजा को अलग रहना पड़ेगा बाबा से, शहजाद से। और अभी मामा और अबू मेरे पास हैं, शुक्र है खुदा का कोई ना कोई तो हमारे पास है ना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं कराची जा रही हूँ, मुझे स्कूल से छुट्टियाँ हुई हुई हैं, वन मंथ की छुट्टियाँ हुई हैं। लेकिन हमारी छुट्टियाँ जो है ना वो कहने के लिए छुट्टियाँ हैं लेकिन छुट्टियाँ नहीं हैं। पहली दो से छुट्टियां हुई थी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद दो को तीन दिन की मैंने रेस्ट की है। उसके बाद फिर कल मैं स्कूल गई थी, कल मंडे था और आज ट्यूसडे, आज 6 तारीख है। और आज जो है मैं घर पे हूँ, मैंने 10 को फिर जाना है क्योंकि 10 तारीख को बच्चों का रिज़ल्ट है। तो बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस करना है, उनको रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड देने हैं और बुक्स भी देनी है बच्चों को। तो 10 को मैंने फिर जाना। उसके बाद 15 तारीख से हमारी टीचिंग ट्रेनिंग शुरू हो रही है ऑनलाइन, और 15 से वो ट्रेनिंग पता नहीं कब तक चलेगी, 5 दिन की है या 10 दिन की है या कितने दिन की है। उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह और इस तरह की बातें होनी है। और 1 अगस्त को स्कूल खुलना है और स्कूल खुलने से 5-6 दिन पहले या 2-3 दिन पहले टीचर्स को बुला लिया जाता है। हम एग्जैक्ट उस डेट को नहीं जाते जिस डेट को बच्चे आते हैं, उससे पहले ही टीचर्स को बुला लेते हैं। तो हमारी छुट्टियां जस्ट वैसे ही हैं, काम बहुत ज़्यादा है छुट्टियों में, मतलब आधी छुट्टियां तो हमारी स्कूल के कामों में गुजर जाएंगी। तो इसलिए फिर कराची जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं होता हमें कब स्कूल की तरफ से बुला लिया जाए। तो इसलिए मैं शहजाद का वेट कर सकती हूँ यहाँ पे बैठ के, खुद नहीं जा सकती किजिया को लेके। अगर शहजाद बीमार ना ना होते तो मैं काफ़ी देर से शहजाद को, तकरीबन एक डेढ़ साल से दो साल से शहजाद के पीछे लगी हुई हूँ कि मैंने सवात जाना, मुझे सवात लेके जाओ, मुझे कलाम लेके जाओ, मुझे वहाँ पे जाना बहुत 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 बड़ी मेरी ख्वाहिश है वहाँ पे जाना। पहले हम गए थे इस्लामाबाद तो वहाँ मरी में होके आए थे। मरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मरी बस ये है कि पहाड़ आप चढ़ी जाओ
और वहाँ पे कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। अगर आपने इन्जॉयमेंट करनी है तो आप वादियों में जा सकते हैं, पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में जा सकते हैं, मैदानी इलाकों में जा सकते हैं, जैसे सवात हो गया, गिलगत हो गया, इस तरह के खूबसूरत वादियाँ, नीलम हो गई। और मैं जाऊंगी ज़रूर इस तरह के इलाकों में शहदाद के साथ, जब भी खुदा ने चाहा और शहदाद ठीक हुए तो, क्योंकि बंदे का ना शहरों में रह रहे के ना एक तरह से ना दिमाग जो है ना बंदे का थक जाता है, फिर बंदे का दिल चाहता है कि इस तरह की एनवायरनमेंट में जाए जहाँ पे एकदम से बंदा फ्रेश हो जाए ना। तो इस्लामाबाद और हमारे जो पाकिस्तान है वो इतना खूबसूरत है कि बंदा देख के ना सारे दुख सारे टेंशनें भूल जाता है एकदम से। आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा, गर्मी की अभी छुट्टियां हैं, लेके चले जाएं, और जो भाई देख रहे हैं अपनी फैमिली इसको लेके चले जाएं। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। खुदा हाफिज़।